इंतजार कर रहे हैं समय का लिमिटेशन है और उसे भी मदरादी मंत्र में वनमाली गुरु का कुछ लीलाएं उनके लीला लिखूंगा तो मेरे पास समय बहुत परिमित है हम दोनों एक हो गए तभी हम समझ करेंगे कि श्री वनमाली प्रभु हम इधर आए तो हमें याद है इस प्रकार वो तपस्या भूमि में दिया है कृपा करने के लिए दिया हो नहीं तो 9 बजे तक डट के बैठते थे साधना करते थे इसी पर साधना करके आगे बढ़े हैं और इस्कॉन का जो अल्टीमेट लेवल सबसे ऊंचा पोजिशन तक हिंदू चुना गया है सन्यास आश्रम के लिए चुना गया है अभी चुना गया है क्या पहले भी योग्यता है लेकिन अभी क्या है हम बहुत नियम थे करने के कारण उनको रुका गया नहीं तो प्रभुपाद जी के समय में तो कब से हो गए होंगे सब उसमें कोई विचार ये नहीं है
तो इसी प्रकार का अनेकों गुण है उनके इन लोग में। तो खास करके वनमाली प्रभु का मेरा संगति का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। महाराज किसी गृहस्थों को अपना ब्रह्मचारी को नहीं छोड़ते, महाराज योग ब्रह्मचारी को ही ब्रह्मचारी के हाथ में छोड़ता है। ब्रह्मचारी किसका होता है? गुरु का होता है। गुरु किसको सौंपते हैं? बड़े भाई के हाथ में, संभाले उसको, संभाले उसको, संभाले। गृहस्थ लोगों को क्या है, उन लोगों का घर ही साम्राज्य आएगा, सेवा करेंगे, जो भी करेंगे सब करेंगे। लेकिन ब्रह्मचारी की जो फीलिंग है, उनका सब कुछ, मानसिक गति सब कुछ, उनका जो आगे बढ़ाने का जो सारे कार्य ब्रह्मचारी का, सीनियर ब्रह्मचारी का ही होता है। इन लोगों के हाथ में सौंपा गया है हम लोग, इन लोगों को गुरु का उन्हें पूजनीय है। हम लोग वाणी को हम लोग महत्व देना चाहिए, कभी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी असभ्य भाषण भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठेस पहुंचने के लिए बात भी नहीं करना चाहिए। ये सबका आध्यात्मिक मंडल के लिए बहुत सहायक होगा। तो मैंने प्रभु जी को लिखा है, हम हैंडीकैप है, मैं तो हैंडीकैप हूँ, हमें हेल्पिंग हैंड का आवश्यकता है, नहीं तो हमारे पास के भी है। इन लोग हेल्पिंग हैंड दिया है, पहले भी दिया है, अभी भी दे रहा है, और उनके अनुरोध से ही हम लोग थोड़ा बहुत सेवा में छूट के रह रहे हैं। खासकर अगर इन लोग बारे में तो हम लोग सवाल ही नहीं है। तो ये सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनमाली प्रभु को, और प्रचलन कार्यों में भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका द्वितीय भागवत सेवा, समय नहीं है, नहीं बहुत बोलने का बोल बोलते हैं, द्वितीय भागवत सेवा हम लोग सुने ना, सब लोग वास्तव में द्वितीय भागवत ने कर रहा है, वो पढ़ रहा है और पता नहीं कर रहा है। उनका 52nd जन्मदिन है, तो इस साल उन्होंने भावन कथा कर रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है, एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा। 52 कथा करना एक ही साल में कंटिन्यूस कथा है, तो इजी नहीं है। और कथा भी मथुरा भी मथुरा होते जा रहा है, हम उधर बैठता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन में सुनते हैं। हमारा भी कुछ हेल्थ के इश्यू के कारण हम तो भी कुछ करना पड़ता है, लेकिन सुनते हैं। तो मथुरा भी मथुरा होकर तो कथा रहता है, अपने कृष्ण शिष्य को भी बोल रहे हैं, प्रभु जी और भी हमें एंडलेस एसोसिएशन मिले हमारे जीवन काल तक, तो सबको प्राप्त हो जाए, हमारे को तो प्राप्त हो जाए, लेकिन सबको प्राप्त हो जाए। प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण के द्वारा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। बोला बाबा शिव जी भूत प्रेत लेके चलते है ना, प्रभु को पास को कोई उसको भक्ति में जोड़ना, भक्ति में लगना, ये गुण है। चलो जोर से हरे कृष्ण महा मंत्र, हरे कृष्ण 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna
सत्संग कर रहे हैं समय का लिमिटेशन है और उसे भी मथुरा दी मंदिर में वर्मानी गुरु का कुछ गाय होंगे से प्राप्त होने वाला वो गुण है गुरु का ही कंटिन्यूशन चल रहा है वो दिखाई देता है हमारी गुरु खास रूप से जाना जाता है तपस्या बहुत अनिवार्य होता है ब्रह्मा जी को तपस्या करना पड़े सारे इंग्रेडिएंट सारे वस्तुएं प्राप्त ना होते पंचवादी वस्तु प्राप्त सृष्टि करने के लिए उनको तपस्या करो तपस्या करने के बाद सृष्टि भगवान के लिए मंदिर बनने के लिए इन बड़ा तपस्या का अनुष्ठान किया तपस्या का फल स्वरूप हर चीज का वस्तु उपलब्ध ऑलरेडी है पहले लोग बोल रहे थे महाराज लोग बोलते हैं जितना मंदिर है सब बन चुका है लेकिन आप लोग तपस्या करना पड़ेगा तो प्रकट होगा तपस्या के फल स्वरूप है ये मंदिर इतना सुंदर मंदिर प्रकट हुआ है तो हम अपने साक्षात देखा गया है श्री वनमाली प्रभु का शुरुआत के दिनों में वनमाली प्रभु कलेक्शन करते थे अभी भी कलेक्शन करते हैं मालूम पड़ता है लेकिन पहले तो प्राइवेट रूम में जाते थे उन्होंने फोटो में कभी कभी मैं भी जाते थे वनमाली प्रभु ढाई सर से विरार तक नहीं था उनका हम मुझे याद है पीटी में पीटी तक फोटो लेके जाते थे हालांकि बांदा के ऊपर फोटो जरूर नहीं है अभी हम वनमाली प्रभु पूरा मुंबई में महाराज के लिए बहुत प्रिय है और सत्य बात तो ये था कि इस मंदिर में वनमाली प्रभु का जो शब्द है वो अल्टीमेट था महाराज इंटरेस्ट करते थे वनमाली क्या बोलते हैं भाई वनमाली को क्या ये मैं बोलने का तात्पर्य वनमाली प्रभु महाराज का शैली है वनमाली कैसे बुलाने का ये है गांव में गुरुदेव है तो बड़ा प्रेम से महाराज बुलाते थे और वनमाली प्रभु जो बोला है वो महाराज पूर्ण रूप से विश्वास करते थे भले अभी विश्वास पात्र करते आए होंगे लेकिन उस समय तो अभी है वनमाली प्रभु की जो वाणी है महाराज पूर्ण रूप से विश्वास करते थे और पहले उनका साधना तो सभी जानते हैं किस प्रकार साधना करते पहले के समय में वनमाली प्रभु 9 बजे से पहले आते थे मंगलारती जाएगा 9 बजे लास्ट कदम होकर आते थे सारे बैग को कंट्रोल करते थे और वो भी देखा गया अभी कुछ दिन में शायद आते होंगे कुछ दवाई लेने के लिए पता नहीं क्या अन्यथा हम लोग तो कितना बार कूदते रहते हैं 5:30 बजे से कूदना शुरू करा कुछ लोग तो 5 बजे से डायरेक्ट इधर आके पता नहीं क्या क्या करते हैं अभी तो थोड़ा लूसन लोग दिया है कृपा करने के लिए दिया हो नहीं तो 9 बजे तक डट के बैठते थे साधना करते थे इसी प्रकार साधना करके आगे बढ़े हैं और इसको उनका जो अल्टीमेट लेवल सबसे सुना गया है संन्यास दर्शन करने को सुना गया है अभी सुना गया है क्या पहले भी योग्यता है लेकिन अभी क्या है बहुत नियम थे कमी के कारण इन लोगों को रोका गया नहीं तो प्रभा जी के समय में तो अच्छे हो गए चाहिए नहीं तो
इसी प्रकार का अनेकों गुण है उनके लोग हैं, तो खास करके वनमाली प्रभु का मेरा संगति का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। महाराज किसी गृहस्थों को अपने ब्रह्मचारी को नहीं छोड़ते, महाराज योग ब्रह्मचारी को ही ब्रह्मचारी के हाथ में छोड़ते हैं। ब्रह्मचारी किसका होता है? गुरु का होता है। गुरु किसको छोड़ते हैं? बड़े भाई के हाथ में संभाले संभाले। गृहस्थों को क्या है, उन लोग का घर ही साम्राज्य आएगा, सेवा करेंगे, जो भी करेंगे सब करेंगे, लेकिन ब्रह्मचारी का जो फीलिंग है उनका, मानसिक गति सब कुछ उनका, जो आगे बढ़ाने का जो सारे कार्य ब्रह्मचारी का, सीनियर ब्रह्मचारी का ही होता है। इन लोगों के हाथ में सौंपा गया है हम लोग, उन लोगों गुरु का उन्हें पूजनी है, उन लोग वाणी को हम लोग महत्व देना चाहिए, कभी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी आश्रम के भाषण भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठेस पहुँचने के लिए बात भी नहीं करना चाहिए, ये सबका आध्यात्मिक के लिए बहुत सहायक होगा। मैंने प्रभु जी को लिखा है मैसेज में, हम हैंडीकैप है, मैं तो हैंडीकैप हूँ, हमें एक हेल्पिंग हैंड का आवश्यकता है, तो इन लोग हेल्पिंग हैंड दिया है, पहले भी दिया अभी भी दे रहा है, और उनके अनुरोध से ही हम लोग थोड़ा बहुत सेवा में छूट के रह रहा है। खास कर अगर इन लोग बारे में तो हम लोग सवाल ही नहीं, तो ये सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनमान को, और इनका प्रचोदन कार्य धन्यवाद। इनका भागवत सेवा समय नहीं है, भागवत सेवा हम लोग सुन सुने ना, सब लोग पास नित्य भागवत में कर रहा है, तो पढ़ रहा है, पता नहीं ना कितनी बार पढ़ रहा है, उनका 52-52 जन्मदिन है, तो इस साल उन्होंने भावन कला कर रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा 52 कथा करना एक ही साल में कंटिन्यूस कथा है, और कथा भी मधुरा से मधुर होते जा रहा है, हम उधर बैठता नहीं है लेकिन कभी कभी ऑनलाइन में सुनते हैं, हमारे भी कुछ हेल्थ के इश्यू के कारण हमको कुछ करना पड़ता है लेकिन सुनते हैं, तो मधुरा से मधुर होकर तो पता रहता है, अपने कृष्ण शिष्य को भी बोल रहे हैं पसंद सुना है, तो प्रभु जी और भी हमें एंडलेस एसोसिएशन मिले हमारे जीवन काल तक, और सबको प्राप्त हो जाए, हमारे को तो प्राप्त हो जाए लेकिन सबको प्राप्त हो जाए। प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महानंद उच्चारण के द्वारा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 चलो जोर से हरे कृष्ण नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।